मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए 1/4 गुना 2/3, तो गुना करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए तो ये क्या में दोनों देखिए भिन्न है, गुना में है, तो गुना में देखिए तिरछा भी काटते हैं और ऊपर नीचे भी काटते हैं। तो देखिए 2 से 4 कट रहा है, 2 बार में 2 दूना 4, तो कितना आया इसका आंसर, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, 1 है सिर्फ, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, बटा यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 तिया कितना हुआ, 6, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 1/6। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में है 2/3 गुना 1/8, तो देखिए 2/3 गुना 1/8 है, तो यहाँ पे 2 से हम 8 को काट देंगे, 4 बार में 2 चौक 8 होता है, तो कितना आ गया इसका आंसर, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, 1 है सिर्फ, बटा यहाँ पे 3 गुना 4 कितना हो गया, 12, यानी 1/12 हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा, तीसरा में है 5/7 गुना 14/15, 5/7 गुना 14/15, तो देखिए 5 से 15 कट रहा है, 3 बार में 5 तिया 15, और 7 से 14 कट रहा है, 2 बार में 7 दूनी 14, तो कितना आ गया इसका आंसर, देखिए ऊपर में 2 है अंश में और 3 हर में है, तो यानी 2/3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/38 गुना 57/75, तो 15 चौक 60 होता है, 15 पचे 75, काट लेंगे हम 5 बार में, ठीक है, 15 पचे 75, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, देखिए 19 से 2 कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो कितना आ गया आंसर, 3/5 गुने 2 यानी 10, इसका आंसर कितना हो गया, 3/10। अब देखिए 5, 5वां, तो 5वां है 21/25 गुना 15/28, 21/25 गुना 15/28 है, ठीक है, तो 5 से कट रहा है, देखिए 5 तिया 15, 5 पचे 25, ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, कितना आ गया आंसर, देखिए 3 गुने 3, 9 ऊपर में अंश में और 5 चौक 20 हर में, यानी 9/20। अब देखिए तो इसका आंसर कितना हो गया, 9/20 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 15/28 गुना 3/4, 3/4, तो इसमें देखिए 3 से 28 नहीं कटता है, ठीक है, ना ही 4 से 15 कटता है, या 15/28 भी देखिए कोई अंक से नहीं कटेगा, ना ही 3/4 कोई अंक से कटेगा, ठीक है, तो हम बस गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45, 28 चौक, देखिए 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 3 11, यानी 28 चौक कितना हो गया, 112, तो 45/112 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3/4, 1/3/4 गुना 8/15, ठीक है, तो पहले हम पूर्णांक यहाँ पे तोड़ लेंगे, तो देखिए 1/3/4 कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 4, 4 3 7, यानी 7/4 हो जाएगा गुना 8/15, देखिए पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 4 गुने 1 4, 4 3 7, 7/4 गुना 8/15, तो 4 से 8 कट रहा है, कितना बार में, 4 से, देखिए 2 बार में 8 कट रहा है, तो कितना आ गया इसका आंसर, अब कोई नहीं कट रहा है, 7 और 15 और 2/15 कोई नहीं अब कट रहा है,
तो अब गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 बटा नीचे क्या है 15, तो 15 लिख देंगे, यानी 14/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए एक से क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 पूर्णांक 1/7 गुना 5 पूर्णांक 1/9। देखिए 5 पूर्णांक 1/7 गुना 5 पूर्णांक 1/9 है, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो बराबर हम लिखेंगे। देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, 7 × 5 = 35, 1 = 36, तो 36/7 गुना 9 × 5 = 45, 1 = 46, 46/9, ठीक है। देखिए 7 × 35 = 36/7 गुना 9 × 5 = 46, 1 = 46/9, तो अब इसको देखिए काटते हैं, 9 × 36 चार बार में कट रहा है पूरा पूरी, देखिए 9 × 36, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 46 × 4 कितना होगा, 46 चौक, देखिए अब नहीं कट रहा है कोई, तो 6 × 24, देखिए 6 × 24 हाथ में रहा 2, 4 × 16 = 18, यानी 184/7, ठीक है। देखिए नीचे सिर्फ 7 है, तो 46 चौक कितना आया, 184, देखिए गुना किए हम, 6 × 24 हाथ में रहा 2, 4 × 16 = 18, अब 184 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 × 2 = 14, 4 इधर गया तो 44 हुआ, 7 × 6 = 42 हाथ में रहा, मतलब शेषफल कितना आया 2, और 7 से 7 भाग दे रहे थे तो यहाँ लिखेंगे हम, तो 26/2/7 इसका आंसर होगा। देखिए हम किस तरह भाग दिए हैं, 7 × 2 = 14, 18 है यहाँ पे, तो 4 बचा, तो 4 इधर गया तो 44 हो गया, तो 7 × 6 = 42 हम लगाएंगे, फिर 44 में से 42 शेषफल 2 बचेगा और बटा में 7, तो 26/2/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पूर्णांक 3/8 गुना 5 पूर्णांक 1/9 है। अब देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 3 पूर्णांक 3/8 गुना 5 पूर्णांक 1/9, तो 8 × 24, देखिए 8 × 24 = 27, यानी 27/8 गुना 9/45 = 46/9, देखिए 9/45 = 46/9, 8 × 24 = 27/8, तो देखिए 9 से पूरा पूरी ये कट रहा है तीन बार में, 9 × 3 = 27, ठीक है। 2 से देखिए 2 × 8 ये कट रहा है, 23 × 2 = 46, 2 से देखिए दोनों कट रहा है 8 और 46, 2 × 4 = 8, 23 × 2 = 46, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 23 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यानी 69, नीचे क्या है हर में 4 है, तो 69/4 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, तो देखिए 4 से 1 बार में लगाएंगे, तो 2 इधर गया 29, 4 × 7 = 28, 1 बचा शेषफल, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ, तो कितना आ गया आंसर, 17/1/4, ठीक है, 17/1/4 इसका आंसर हो गया। देखिए 4 से हम भाग देंगे, तो 17 × 68 होता है, ये हम लोग को मालूम है, 17 × 4 कितना होता है 68, तो 1 शेषफल बचेगा क्योंकि 69 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो 1 पूर्णांक, तो इस तरह देखिए हम 8 और 9 हल कर लेंगे,